भाई किंडर सही है भाई, रेंज देखो अभी तक। ओके तो थोड़ा सा बोलते हैं ना ट्रोल सा होने वाला है, तो चार पर्क से पहले पर्क से इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। तो एक पर्क है जिसके अराउंड ये सारे रिवॉल्व करने वाले हैं, और वो है ओपन हैंडेड। ओपन हैंडेड किसी भी ऑरा रीडिंग पर्क की रेंज को बढ़ा देता है बाय 8 मीटर्स। तो किंडर, स्पाइनचिल और बॉन्ड की रेंज बढ़ जाएगी बाय 8 मीटर्स। मुझे इसके अलावा कुछ सूझा नहीं, इसलिए मैं इन तीन पर्क्स को ले रहा हूँ। मुझे कोई और याद नहीं आ रहा जो कॉन्स्टेंटली तुम्हें बोलते हैं ना किसी का ऑरा रिवील करते रहता हो। बिकॉज अगर इसकी बात करें अलर्ट की, तो वो जनरेटर्स होने पे बताता है फॉर एग्ज़ाम्पल। दूसरा है एम्पथी, एम्पथी भी अगर कोई वुंडेड है तो, बट फिर भी एम्पथी की रेंज बहुत ज़्यादा है, उस पर और 8 मीटर्स क्या करेंगे। तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए मैं स्पाइनचिल, ये स्पाइनचिल है जिसके और नॉर्मली 36 मीटर की रेंज है, तो और 8 मीटर्स मतलब 42 मीटर्स, तो 42 मीटर्स की भी रेंज है इसकी। फिर आता है ये अपना बॉन्ड, 36, 42 हो गया ये भी। और फिर आता है किंडर, 16, 16, 8, 24, 24 ही होगा ना, पता नहीं, जो भी। तो इन सब की रेंज बढ़ जाएगी। उसके अलावा मैं ग्रीन मेडकिट लेके जा रहा हूँ, जो मुझे एक एक बोलते हैं ना पूरा हील दे देगा, फास्ट हील। और उसके अलावा एक एड ऑन जिससे ये दो हो जाएंगे। तो मेरे पास दो हीलिंग्स हैं और एक ऑफरिंग। लेट्स सी हाउ इट गोज स्टार्ट। शिट, आई जस्ट रियलाइज मुझे ये रैंक्ड मैच में नहीं करना चाहिए था, शायद से इसमें करना चाहिए था, क्या बोलते हैं वो, AI में करना चाहिए था। अरे यार, क्योंकि कोई भी एग्जॉशन पर्क नहीं है मेरे पास, किसी भी तरीके का हीलिंग नहीं है या फिर प्रोटेक्शन पर्क नहीं है, तो मेरे पास सेफ्टी और प्रोटेक्शन दोनों भी नहीं है एट दिस पॉइंट। मेरे पास बस बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, मेरे पास तीन इंफॉर्मेशन पर्क है ना, हाँ तीन इंफॉर्मेशन पर्क्स हैं। शेट, कैसे जाने वाली है, मैंने सोचा ही नहीं। कोई ना, देखते हैं। मज़ा तो आने वाला है। कोई आसपास है? ओ भाई, ऐसा क्यों, कोई दिख भी नहीं रहा है। वो रहे, 1 मिनट, रेंज देखते इसकी क्या है। और ओके, दैट्स अ प्रीटी लॉन्ग रेंज यार बॉन्ड की, पर वहाँ पे कोई तो है, तो हम लोग यहाँ जा रहे हैं। किलर पता नहीं अभी तक कौन है, देखेंगे। यहाँ पे कोई है क्या? तो वो दो लोग वहाँ पर है, तो एक कोई तो यहाँ पर भी होना चाहिए। वो रहा भाई, बॉन्ड से ही चल रहा है वे। बॉन्ड की रेंज अभी 42 मीटर्स है ना, बहुत सारा है, पर मज़ा आ रहा है। मैं देखने भी नहीं वाला, स्पाइनचिल बता देगा। अभी ठीक है, अभी किंडर देखते हैं कहाँ गया, किंडर देखते हैं क्या कर रहे हैं। ट्रैपर, ओ भाई कितना दूर तक दिख रहा है वे, मजा आ रहा है। वो वापस नहीं गया, क्या हो क्या रहा है? बिकॉज कोई एग्जॉशन,
ठीक है, मैं पीछे जा रहा हूँ। When there is a need, you should go. इसको हील करते हैं। जनरेटर पे गया वो, पता नहीं क्यों। यहाँ पे ट्रैप है क्या? होना तो चाहिए था। क्या कर रहा हूँ? ओ गेम गेम भाई गेम, ऐसे नहीं करते। आ रहा है चचा, आ रहा है भागियो। वहां क्यों जा रही है? वही तो मैं पूछ रहा था, वहां क्यों जा रही है? ठीक है, मैं पीछे जा रहा हूँ पूरी। ओके, ये नहीं करना था, बट ठीक है भाई। मेरे को बॉन्ड अच्छा लग रहा है, किंडर का पता नहीं बट बॉन्ड सही लग रहा है अभी। शायद मैं ये सेटअप बॉन्ड के लिए यूज़ करूँ। भाई क्या रेंज है यार, वो देख, ये बॉन्ड पे रेंज है, मजा आ रहा है। 42 मीटर्स पे। आउच, ये हुक हो चुकी है पहले। हम लोग जनरेटर्स नहीं है वे, सिर्फ एक ही हुआ है अभी तक। ओके, वो ठीक ठाक है। एक ट्रैप लगाया, यही आ रहा है हराम। वो अभी तक इस साइड आया नहीं है, तो उसको ट्रैप्स के मतलब बोलते हैं ना, पैलेट्स प्लेट्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं है, मैं जैसे आया वैसे भाग रहा है। कि उसको पता था ट्रैप्स कहाँ पर है। अबे हट, अटक कैसे गया? ना प्रॉब्लम जनरेटर्स होने वाले हैं, बिकॉज कोई जनरेटर्स पे काम नहीं कर रहे हैं। ओके, दैट वाज टॉर्च था क्या? मुझे पता नहीं क्या हुआ, जब टॉर्च था। कूदम पाका देखियो, एडा तुझ पे भरोसा नहीं है, तू हटियो, मैं देख लूंगा खुद। ब्लॉक उसको कहते हैं। मेरे पे तो नहीं है, सेकंड हुक यही आ रहा है, यही आ रहा है।
तो ये मुझसे सही है। आ जा, छोड़ दिया इसने। नहीं, हाँ नहीं, आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, वे आ रहे या नहीं आ रहे? ओ फक, मेरे पास स्प्रिंट बस नहीं है, मैं क्या कर रहा था, शिट मैं मर गया। मेरे पास स्प्रिंट बस नहीं है, मैं वहां पे क्यों? अरे यार, ऑलमोस्ट कॉटेड मैन। पहले तो पैलेट के ऊपर जाने से पहले दो बार सोचना पड़ता है कहीं ट्रैप तो नहीं है वहां पे। भाई जनरेटर्स कर रहा है, भाई जनरेटर्स नहीं है, कहाँ लेके जा रहा है? किंडर सही है भाई, रेंज देखो अभी तक, ओके अभी तक दिख रहा था बोरा पड़ी क्या। वो क्या कर रहा है? ओके, उसके पास एजिटेशन है। ओ शी डाइड। एक्चुअली एट दिस पॉइंट बहुत सारे लोग मरने वाले हैं बिकॉज सबके आई थिंक जो सेकंड हुक हो चुके हैं। मैं अकेला हूँ जिसका फर्स्ट हुक है। ये और ये लास्ट हुक है। Heal me up. Because ये medkit मुझे full health तो नहीं दे पाएगा अभी, मैं थोड़ा health। पीछे ही रह गया। That's a good thing, but मुझे उसके हार्ट बीट से बाहर निकलना है। अभी निकल गया। ओके, एक जनरेटर हो गया, दैट्स गुड। अरे ध्यान नहीं था, ये मेरे को फुल हेल्थ नहीं देना है। शिट, ट्रैप, यहाँ पे ट्रैप है क्या? ओह, हील कर दियो थोड़ा सा ये। जा बचाने ना, भाई ये क्या मार लिया अपने पैर पे? वो क्यों आएगा इस साइड? सारे जनरेटर से उस साइड है। साइड है लेफ्ट में, मरियो ना अभी प्लीज। भगियो, एक जनरेटर यहां पर है। ओ भाई, ये तो मेरे से भी तेज है काइंड ऑफ। एक उस साइड है, एक यहां पर है। मैं इस पर काम, ये मैच जा चुका है, लेजेंड जा चुका है ये मैच। आउच, शिट। आते बूट डेड,
कि आदित्य का पता था बट ऋषि आर यू अनडेड हो तू? द हैश वाज स्पॉन छोटा हैश तुम से यप मर गया हैश कहाँ के ओ ये रहा मजेदार सेटअप है बट बोलते हैं ना रिस्की है थोड़ा सा। पॉप गोज द वीजल एजिटेशन एजिटेशन मैंने देखा था बिकॉज वो लेके घूम रहा था तो एजिटेशन था। स्लॉपी बुचर दिख रहा था पड़ी थी दिखा था वो। पॉप गोज द वीजल और ओके और एक बॉन्ड था डिसाइसिव स्ट्राइक स्प्रिंट बर्स्ट उसके पास था ऋषि के पास वो भी दिखा था हुक से कूदते ही मेरे आगे। ठीक है मुझे लगा था बहुत बेकार रहेगा बट इट वॉज अ गुड मैच। डार्क सेंस को लेवल 3 मैं इसको लेने भी नहीं वाला हूँ। दिस इज नॉट हैपनिंग रियली दिस इज नॉट हैपनिंग मैं नहीं ले रहा तेरे को। तो चलो पर्क्स की बात करते हैं एक बार। आई थिंक सो बॉन्ड बॉन्ड के साथ वो एड ऑन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। किंडर मुझे कुछ इतना फ़र्क समझ में नहीं आया बट यप देर इज़ अ डिफरेंस बट इतना कुछ बड़ा नहीं है। स्पाइन चिल मुझे नहीं लगता कुछ फ़र्क पड़ेगा इतना बिकॉज जब किलर तुम्हारे पास देखता है तब तुम्हें वो कुछ परसेंटेज का बोनस मिलता है अदरवाइज वो नहीं मिलता। इट्स अ ट्रोल यूजेज मतलब ट्रोल सेटअप है प्लीज़ इसे यूज़ मत करना। दैट्स इट हैव अ फन बाय बाय।